टूथ फेरीज के पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है और एक चमकदार दांत उनकी कोशिशों का बढ़िया इनाम है। वाओ! पॉली और सियू कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चों की टीथ एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। ओब्लिवियन का पोशन आज बहुत अच्छी तरह से बना है और चार्ली हमेशा की तरह लेट है। हमेशा की तरह ये क्या है? मुझे अभी इसे अपने क्लासमेट को दिखाना होगा। पॉली, सियू, देखो एक प्रतियोगिता आ रही है। ओ नहीं, हमारा जल्द ही मिल्क टूथ एनामल का एग्जाम है। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, मजे करने का बिल्कुल समय नहीं। तुम पूरी एकेडमी में फेमस हो जाओगी, जरा सोचो। खैर, ये सुनकर तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमने अपना फैसला कर लिया। हमारी टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेगी, लेकिन हमें इसके लिए सही तरीके से तैयारी करनी होगी। सियू ने बेबी टीथ पाने की कौशलताओं पर काम करने का फैसला किया। कभी कभी वो इतने तेज होते हैं कि तुम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। एक जाल मदद नहीं करेगा, हमें यहाँ जादू की जरूरत है। अपने इनर जेन को ढूंढें और टूथ कैचिंग को सीरियसली लेना शुरू करें। अपने दिमाग की ताकत से पहला दांत मिल गया, ये इतना मुश्किल नहीं है। और डील को सील करने के लिए कुछ और दांत और पॉली अपने विंग्स दोबारा पाना भूल गई। अच्छी बात है कि मदद के लिए उसके पास एक जादुई किताब है। ठीक है, आखिरकार अब तुम और उलझे हुए टास्क कर सकती हो, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। ये तब काम आता है जब आपको किसी बच्चे से उसका दांत निकालने की जरूरत हो। पॉली बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसकी उंगलियों की स्नैप के साथ पूरा मेकओवर। प्रतियोगिता का इनाम प्रैक्टिकली उसकी जेब में है। जादू दांतों को इकट्ठा करने में मदद करता है, बिल्कुल, लेकिन उन्हें अभी भी वर्कआउट करना है। टूथ फेरीज अपने मसल्स की ट्रेनिंग के बीच में है और ये आता है तीसरी फेरी, टूथ पावर लिफ्टिंग। ये भारी सामान है सच में। ऐसा लगता है फेरीज देखते देखते थक गई और दर्शकों के बिना चार्ली करने में कम इंटरेस्टेड है। पॉली ने अपने टेलीकिनेसिस को ट्रेन करने का फैसला किया। ये एक टूथ फेरी के लिए सबसे जरूरी कौशलताओं में से एक है। और जूसी बर्गर से अच्छा वो और किस पर ट्रेनिंग कर सकती है? ये मैंने कर लिया। कितना खूबसूरत नेकलेस है, ये बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। पॉली ने इसे उसके मालिक को वापस करने का फैसला किया, अगर वो नहीं भूलती है तो। और सियू अपने लेविटेशन स्किल्स पर काम कर रही है। तुम सबको जादू की एक बूंद और थोड़ी शांति की जरूरत है। दुनिया को यहाँ ऊपर से देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वो सबसे ऊंची खिड़की तक पहुंच सकती है। और चार्ली टेलीपोर्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा है दूर दूर तक। यहाँ बढ़िया नहीं हो रहा, वो फिर से क्लासेस स्किप कर रहा है। ओह ठीक है, विंग्स, अब वो इसे कर सकता है। पहला टेलीपोर्टेशन ठीक गया। रुको, इतना भी ठीक नहीं, उसने एक लड़की को डरा दिया। दूसरी बारी में वो एक अलमारी में पहुंच गया। बढ़िया, उप्स, ये एक बच्चे का कमरा नहीं है। चलो कोशिश करते रहें, ये बेहतर है। वो डेस्टिनेशन के पास उतर गया, उसे पास जाने की जरूरत है। और पास, और पास। उफ, वो अभी भी घर में नहीं जा सकता। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, ताकतवर रहो। उसने कर दिया, ये। पॉली ने पहले ही पता लगा लिया कि आज किसका दांत टूटा है। छोटी लड़की सो रही है, ये जानकर कि कल उसे पिलो के नीचे टूथ फेरी से एक तोहफा मिलेगा। तो ये रही पॉली, ज्यादा पास मत जाओ, उसकी टेलीकिनेसिस स्किल मदद करेगी। वुश, और कीमती दांत उसके हाथ में है। नहीं नहीं सीटी,
तुम्हें सोते रहना चाहिए। ऑब्लिवियन पाउडर हमेशा मदद करता है। चार्ली की एक अलग स्ट्रेटेजी है। वो एक हॉकी रिंक में जाता है। यहाँ पक्का बहुत सारे खोए हुए दांत मिलेंगे। उसे बस तसल्ली रखनी होगी और उसे कोशिश करनी होगी कि वो जमे नहीं। भविष्य के खिलाड़ी जमकर मेहनत करते हैं। कुछ गलत कदम और कम से कम कुछ बच्चे अपना दांत खो देंगे। मुझे बस एक को गिराने की जरूरत है। ये रहा पहला शिकार। ताजा दांत पिलो के नीचे फेरी का इंतजार कर रहा है। यहाँ दांतों का एक पूरा कलेक्शन है। ये असली चैंपियन है। और ये रहा चार्ली। अच्छी कैच, लकी लड़के। पॉली ने ट्रिकी होने का फैसला किया। इस समय कोई टेलीकिनेसिस नहीं, एक्शन ले। वोइला और पॉली बिल्कुल बच्चे की माँ की तरह दिख रही है। अब पिलो के नीचे एक सिक्का रखें। हनी, सोते रहो, मम्मी यहाँ है। बढ़िया पॉली, ये स्मार्ट था। एक बार जब वो शांत हो जाए तो तुम उसका टूटा हुआ दांत ले जा सकती हो। उसके पास मिल्क दूध पाने का एक और मौका है। धीरे से बच्चे से चोरी कर लो और एक्सचेंज करें। सही चीज है, तोहफे के लिए एक सिक्का। ऐसा लग रहा है जैसे चार्ली अब टेलीपोर्टिंग कर सकता है। इस बार उसने बहुत शोर मचाया। ओह नहीं, बच्चा जाग गया। ये तो बुरा हुआ। अब वो सेल्फीज और पैसे मांग रही है। ऑब्लिवियन पाउडर का इस्तेमाल करने का समय आ गया। फ्यू, उसने इससे छुटकारा पा लिया। लड़की वापस हो गई। और ये रहा उसका दांत। जीत बहुत करीब है। और सियो बहुत आगे तक जा रही है। वो बिना चीटिंग के कैसे जीत सकती है? उसने एक डेंटिस्ट को रिश्वत दी। उसके पास बच्चों के बहुत बहुत सारे दांत हैं। डॉक्टर को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन सियो के लिए ये खजाना है। ये अच्छी डील है। कभी कभी दांत अपने आप गिरना नहीं चाहता और फिर बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं। बस अपने दांत पर धागा बांधें और दूसरे कोने को दरवाजे के हैंडल से बांधें। बस खींचे और ये बाहर आ गया। उप्स, सियो यहाँ है। वो हवा में दांत पकड़ती है। वो ट्रेनिंग के बहुत सारे घंटे बिता चुकी है। तुमने भी उसे देखा है ना? कंपटीशन खत्म होने वाला है। हमारी टीम टॉप 3 में है। उन्हें एक आखिरी दांत की जरूरत है। टीम इसे यहाँ पाने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैरी यहाँ रहती है, वो लड़की जिसने फेरी को एक बार पकड़ लिया था। और उसने अभी भी उनकी फोटो वाली ट्रिक के लिए उन तीनों को माफ नहीं किया है। ये बदला लेने का समय है। मैरी ने लेजर ट्रैप्स लगाए है। फेरी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके पास बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग है। ध्यान से, वो ये सब लेजर नहीं है। मैरी ने फेरी को दोबारा पागल बना दिया। कम से कम यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी है। हम दांत ढूंढ सकते हैं, पर वो यहाँ नहीं है। ये नकली वाला है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगता है अब फेरीज को जीतने का मौका नहीं मिलेगा। और ये रही मैरी, वो उन्हें परेशान कर रही है। उसका पीछा करो, हम उसे भागने नहीं दे सकते। इस भरोसेमंद फेरिस को धोखा देना आसान है। पीछा अभी भी बाहर तक जारी है। फेरिस की टीम हार नहीं मानने वाली। उनके पंखों को लगाने का समय आ गया। टेलीकिनेसिस मैरी को नीचे गिराने में मदद करेगा। हाँ, ये ठीक नहीं है, लेकिन दांत के लिए ये करना होगा। दांव पर बहुत कुछ है। और सियो ने दांत पकड़ लिया। ये मैरी फिर से हार गई। कोई बात नहीं, अगली बार वो पक्का उन फेरिस को पकड़ लेगी।
कितना बढ़िया मोमेंट है, एक अवार्ड सेरेमनी। हमारी टीम जीत गई और कितना बढ़िया इनाम है। टूथ फेयरी एकेडमी इस जीत को लंबे समय तक याद रखेगी। क्या आपको टूथ फेयरीज के बारे में हमारा नया एपिसोड पसंद आया? प्रतियोगिता जीतने के लिए फेयरीज ने दांत कैसे पकड़े होंगे? अपने आइडियाज हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ट्रिम ट्रिम पर नए स्केचेस मिस ना करें।